गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में ध्याव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्याजक परिवार है श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिनशरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार, आना अबीर अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिनशरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। उसके लिए लाया करो, देवर भी बड़ा होशियार था, ऐ भाभी के लिए ये लाना, भाभी के लिए वो लाना। भाभी तो भूल गई सब, माहौल ही बदल गया, पूरा माहौल परिवर्तित हो गया। सासू हरिद्वार गई, वहां से साड़ी लाही, ध्यान रखना। किसके लिए? सासुओं से निवेदन है, कहीं घूमने जाओ ना प्यारी प्यारी अम्माओ, जगत जननी जगदम्बाओ, अपने लिए कुछ लाओ या ना लाओ, बहू के लिए कुछ कुछ तो ला, नहीं बेटी के लिए लाती हो, बहू के लिए नहीं लाती, ध्यान रखना है। बेटी को लाना भूल जाओ, लेकिन बहू को सबसे पहले कुछ ना कुछ उपहार। बहुओं तालियां बजा दो जरा जोर से। बेटी क्या करेगी? बीमार होगी बहू पानी देगी, तबियत खराब होगी बहू साथ दे, बेटी तो ज्ञान बांट के चली जाएगी। बस ध्यान रखना, मेरी माँ का ध्यान रखना, मेरे पापा का ध्यान रखना। वो खुद के ससुर की आफत कर रखी है वहां उसने, और अपनी माँ का ध्यान रखवा रही। ध्यान रखना, साथ बहू ही देगी, ध्यान रखना। 24 घंटे बहू साथ रहती है, 24 घंटे बहू सेवा करती है, 24 घंटे बहू तुम्हारी आओ भगत करती है। मैं तो कहता हूं कि बेटियों से ज्यादा प्यार अपनी बहुओं से होना चाहिए। ध्यान रखिए, जो बहुओं को प्यार देगी उस घर में बहू बहू नहीं, लक्ष्मी बनकर के उस घर में राज किया करती है। ध्यान रखिए, मान्यवर निवेदन सीमा। हाँ, नहीं अभी नहीं, दिखावा मत करो। अच्छा अभी नहीं नहीं है ना, असली तो छोरा खुश हो रहा है कि देखो मम्मी कितना दिखावा कर रही है। मान्यवर विचार करिए आप, पूरे भर के लोग, भाभी भाभी दाभी, बहू बेटी। एक दिन सास ने बुलाया कि टाइम हो गया है, 10 बज रहे हैं। बुलाया कि इधर आ बेटा। बोले क्या? बोले देख अब मेरा बुढ़ापा है, अब मुझसे कुछ होता नहीं है। कमर की चाबी निकाली और बहू को कहा, आज से दूध वाले का हिसाब तू कर, आज से सब्जी वाले का हिसाब तू कर, आज से जिसका भी हिसाब किताब तू कर। और बेटे से कहा, जो भी कमा के लाए लक्ष्मी के हाथ में देना, ये जैसा चाहेगी वैसा खर्च करेगी। बहू ने कहा कि हो गया मजा, आ गई जिंदगी, बन गई सरकार, अब की बार राजमल सरकार, बन गई सरकार, मिल गई सत्ता। उसने कहा, यार ये बाबा ने कौन सा मंत्र दिया मेरे पापा को, 6 महीने का दिया, महीने भर में असर आ गया, पूरी दे दी चीज तिजोड़ी, सब कुछ बहू तू संभाल। बोले मम्मी मम्मी मम्मी, बेटे बहू भी कहे, सास भी कहे, बेटी बेटी बेटी, घर बदल गया पूरा। रक्षाबंधन आया, भाई लेने आया, भाई ने कहा कि दीदी चलो घर। बोले रुक जा, चलती हूँ, इतनी भी जल्दी, 8 दिन पहले क्यों आ गया? अरे उसने कहा तेरी नाराखे ना ससुराल है, चुप रहे। बोली जा सास से पूछ, जाके पहले दिन तो कहा था सास से क्या पूछना, बोली जा उससे पूछ के आ। जैसे ही पूछा, अम्मा जी अपनी बेटी को ले जाओ। अरे बेटा बेटी को मत ले जाओ, उसके बिना तो घर सूना हो जाएगा, सुबह से शाम कटना मुश्किल हो जाएगा, कौन मेरी सेवा करेगी। एक काम कर, रक्षाबंधन है ना, आज ले जा कल वापिस। उसने कहा, लड़के ने भी देखा, दीदी ये क्या कमाल हो रहा है, पूरे घर में राज करने लगे। पहुंची पीहर, पिता ने कहा कि बेटी क्या हाल चाल है। बोले बस सब अपना है, घर भी अपना, चाबी भी अपनी, सब। और पिताजी पूरा माहौल ही वहां चेंज हो गया। बोले मतलब क्या है?
बोली मैं 6 बजे उठती हूँ तो सासू कहती बेटा तू सो जा थक गई होगी सो जा, इतने जल्दी क्यों उठ रही है, मैं चाय बना लेती हूँ। लेकिन महीने भर में ऐसी आदत बन गई है कि मुझे नींद ही नहीं आती है अब। तो बेटी एक बात बता, ससुराल कैसी है? बोली स्वर्ग। बोली बेटी एक बात बता, ससुर कैसा है? बोले आपसे भी ज्यादा अच्छा। तो बोली बेटी सास कैसी है? बोले कभी मम्मी की याद नहीं आती है। तो बोली ननंद कैसी है? इतना प्यार तो मेरी बहन नहीं करती जितना प्यार मेरी ननंद करती है। तो बोली बेटा देवर कैसा है? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा मेरा देवर है। और बोले वो यमराज तेरा पति कैसा है? बोले पिताजी ऐसा मत बोलो, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। और बोले वो पड़ोसी? बोले उन जैसे पड़ोसी तो दुनिया में नहीं मिल सकते हैं। तो बेटा बोल तेरा जीवन बदल गया। बोले पिताजी एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था? नजरें बदली तो नजारे बदल गए, कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए, ध्यान रखना। बोले पिताजी कौन सा मंत्र पढ़ा था? बोले बेटा तुझे क्या करना, तेरी स्थिति बदल गई ना। बोले नहीं पिताजी, बताना तो पड़ेगा कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ा था। बोले बेटा मैंने पुलक सागर का मंत्र पढ़ा था। बोले क्या बोला था? बोले उनने कोई मंत्र फंत्र नहीं दिया, उनने तो कहा कि तुम पढ़ते जाओ, कुछ भी जो पढ़ना है बस बेटी से तपस्या करवाओ। और बेटी जो तूने 1 महीने जो साधना की है उसका फल है कि तू अपने ससुराल में राज कर रही है, ध्यान रखना। बेटी यदि ऐसी जिंदगी बनाएगी जिंदगी भर घर लक्ष्मी कह करके पूजी जाएगी। एक बात याद रख बेटा, एक बात याद रखिए, स्थान बदलने से कोई महान नहीं हुआ करता है। और ऋषभदेव वालों मैं आपसे कह रहा हूं कि महान स्थान पर बैठने से कोई महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाए वो स्थान महान हो जाया करता है, ध्यान रखिए। आपको यदि यहां बिठा दिया जाए तो कोई आपको प्रणाम करने वाला नहीं है, और मैं नीचे भी बैठ जाऊं तो लोग मुझे नमस्कार करने वाले हैं। ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं हुआ करता है, महान स्थानों पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है। महानता स्थान में नहीं होती है, महानता होती है तो हमारे चरित्र और व्यवहार में महानता हुआ करती है। स्थान बदलने से, ससुराल बदलने से क्या होगा? ससुराल नहीं बदलो, बदलना है तो हृदय बदलने का प्रयास करिए, ध्यान रखना, मन बदलने का प्रयास करिए। यदि तुमने अपना मन बदल दिया तो वही नरक जैसी ससुराल स्वर्ग में परिवर्तित हो जाया करती है। आदमी ने मन बदल लिया तो जो कल तक दुश्मन था आज दोस्त नजर आया करता है। केवल अपना मन बदलना है, केवल अपना विचार बदलना है। और आपसे मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना ही कहूंगा, केवल व्यवहार बदलो, स्थान मत बदलो। स्कूल बदलने से क्लास आगे नहीं बढ़ती, बुद्धि बदलने से क्लास आगे बढ़ा करती है, ध्यान रखिए। आपसे इतना ही मैं निवेदन करने जा रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा मैचिंग करती हैं, होना चाहिए। आज सब केसरिया केसरिया हो रही है, जो देखो वो आदमी क्या करे बेचारा, वही सफेद है चाहे पेंट पहन ले या शर्ट पहन ले, आदमी क्या करे, उसके पास दो ही ड्रेस है जिंदगी में। ज्यादा से होगा तो सफारी पहन के आ जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, कुछ बना ही नहीं, सारा बना इनके लिए है। लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है देश में, अरे मोदी जी महंगाई नहीं बढ़ा रहे, महंगाई तो महिलाएं बढ़ा रही हैं, ध्यान रखना। ये तो जाती हैं दुकानों में जैसे ही साड़ी फैलाई, अरे मैडम आप पे ऐसी खिल रही है, अब तो मैडम का पर्स खुल जाता है, फिर नहीं पूछना कितने की है और क्या है, बस इतना तारीफ कर दो थोड़ी सी। महंगाई बढ़ाने में महिलाओं का हाथ, इनके पास क्या है विचारों के पास, ज्यादा से ज्यादा एक घड़ी एक चैन लटका लेगा, एक अंगूठी पहन लेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। महिलाओं को तो पैर की उंगली से लेकर सिर तक 16 सिंगार हुआ करते हैं, ध्यान रखना। सारी कमाई तुम्हारी ये खा रही है, ध्यान रखना, विचार करो, खाएंगी और किसे दोगे, देना तो ऐसे ही पड़ेगा तुम, ध्यान रखिए। मान्यवर आपसे कह रहा हूं मैचिंग का जमाना है,
एक बार घटना घट गई मेरे साथ। मैं ग्वालियर में चतुर्मास था, एक महिला आई, मैं तो मैचिंग देख के हैरान हो गया। हालांकि मैं देखता नहीं ये सब चीज, मुझे क्या लेना देना है, लेकिन अब सामने आ जाती है तो दिख ही जाती है। एक महिला आई, पिंक कलर की साड़ी, पिंक कलर के ये पुताई, ये होते ना, कैसा जमाना आ गया है कि कहा जाता है कि नाखून काटो बाल बढ़ाओ, हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा, नाखून बढ़ रहे हैं बाल कट रहे हैं, ध्यान रखना। पिंक कलर की साड़ी, पिंक रुमाल, पिंक पर्स, पिंक चूड़ी, पिंक बिंदी, और तो और पिंक चप्पल, और तो और गोदी में जो बच्चा वो भी पिंक पिंक। मैंने कहा वाहरे गुलाबी शहर जयपुर यहीं आ गया क्या। मैंने कहा इतना पिंक पिंक क्यों हो रही है, बोले मैचिंग का जमाना हमारा, पिंक पाउडर पोती है ना, कोई बात नहीं। दूसरे दिन सफेद साड़ी पहनकर आई, सफेद दुपट्टा, सफेद बिंदी, सफेद चूड़ी, सफेद पाउडर। इनका आज बिल्कुल किशनगढ़ बन के आई, मार्बल सिटी, ध्यान रखना। तीसरे दिन गड़बड़ हो गया, काली साड़ी, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला पर्स, यहां गड़बड़ हो गया। मेरे का जब पिंक थे तो पिंक पाउडर था, व्हाइट था तो आज पाउडर का क्या हो गया। बोली महाराज ये सेटिंग नहीं, ये सेटिंग बिगड़ गई थोड़ी सी, ध्यान रख। नहीं मैचिंग करो, करना चाहिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुमसे बातें कर रहा हूँ कि मैचिंग का जमाना है। लेकिन मैं सभी बेटियों से, बहुओं से निवेदन करूँगा, पुरुष वर्गों से निवेदन करूँगा कि मैचिंग तो बहुत करो, लेकिन एक चीज कहूंगा कि कपड़े की मैचिंग ही नहीं, मन की मैचिंग भी होना चाहिए जिंदगी में। अपना जीवन ऐसा बनाओ जो सबसे मैच हो जाए। कपड़ों की मैचिंग जीवन को महान नहीं बनाएगी, लेकिन मन की मैचिंग, मन ऐसा बनाओ जो घर में ससुर से भी मैच हो जाए, सास से भी मैच हो जाए, ननंद से भी मैच हो जाए, देवर से भी मैच हो जाए। वो जिस दिन सबसे मैचिंग हो जाती है, यह फिर मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना नहीं करना पड़ती, स्वर्ग उतर के हमारे घर में अपने आप आ जाया करता है, ध्यान रखिए। फिर किसी मंदिर में माथा टेकने की जरूरत नहीं हुआ करती है, किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं हुआ करती है। हमारा घर एक मंदिर बन जाता है, हमारा घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो मैं पुलक सागर, यदि आपके ऋषभ देव में आया हूं तो इतना ध्यान रखना, मैं पत्थरों के मंदिर नहीं, मन को मंदिर बनाने का प्रयास करने के लिए आया हूं। मन को इतना मंदिर बना लो, इतना पवित्र बना लो, ऐसा जीवन बना लो, ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि जब ज्ञान गंगा नहीं थी तब भी तुम्हारा वही नेचर था, और सुनने के बाद भी तुम्हारा वही नेचर है। नहीं मेरे भाई, ये पुलक सागर का बोलना सार्थक तब होगा कि जब 4 तारीख को तुम कुछ और थे, 19 तारीख को तुम कुछ और हो जाओगे अपनी जिंदगी में, तो मेरा बोलना सार्थक होगा, सफल हो जाएगा। जीवन को बदलो बा, कोई चमत्कार दुनिया में नहीं होता है, चमत्कार यदि कहीं होता है तो हमारी बदली हुई जिंदगी में चमत्कार हुआ करता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, मन बदलो, स्थान नहीं बदलो, व्यक्ति नहीं बदलो, सोच बदल लो, तुम्हारा जीवन स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा प्रवचन की शुरुआत में कि नसीब देना भगवान का काम होता है, लेकिन नसीब बदलना हमारा काम हुआ करता है। अपने नसीब को अपने हाथ से हम बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को अपने हाथ से बदल सकते हैं, पुरुषार्थ हमें ही करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है, घर में 4 लोग रहते हैं, अब तो बचे भी कितने हैं, 2-3 मुश्किल से, सारी दुनिया में एडजस्ट करते हो, 4 लोगों में एडजस्ट नहीं कर पाते हो। यदि मेरा ये सूत्र आपने सीख लिया, मेरी ये सलाह आपने मान ली, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ फिर अदालत में कोई तलाक के कागज लेकर नहीं पहुंचेगा, कोई घरों में विसंगतियां नहीं होंगी, कोई जरूरत नहीं होगी किसी कानून की। हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा आदर्श जीवन जिए कि हमारा घर
स्वर्ग बन सके, मंदिर बन सके। समय हो गया है, 5 मिनट आपके ज्यादा हो गए हैं। अनुग्रहित हूं कि आपने मुझे सुना, और आज ज्ञान गंगा के दूसरे दिन भी आप बड़ी शालीनता से यहाँ पर सुनने आए। रात का अपना एक अलग माहौल होता है, वो आज दिख नहीं रहे। कल संगीतकार बहुत सुंदर गाने के लिए गीत सुनाने, भजन सुनाने आए थे, वो अपना एक अनंत आनंद है। शाम की सभा का अपना एक अलग आनंद हुआ करता है। और मैं तो कहता हूँ जिस नगर में संत पहुँच जाए, 24 घंटों में 16 घंटे धर्म ध्यान हुआ करता है। अभी किसी को कोई फुर्सत नहीं, सबको महाराज दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, आरती दिख रही, पूजा दिख रही है, इससे बड़ा सत्संग कोई और नहीं होता है। तो आज मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि 2-3 बातें याद रखें कि नसीब हमें खुद बदलना है। दूसरी बात याद रखो, घर बदलने से जिंदगी नहीं बदलती है, स्वभाव बदलने से जिंदगी बदला करती है। और इंसान वही है जो बड़ों को आदर दे और छोटों को प्यार करे, वह जिंदगी को सही। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिनशरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को